आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। तो तुमने फोन मंगवाया था? क्यों, क्या चाहिए? बनी, बनी, बु, बु, बु। और इसने फोन मांगा और तू तूने चला गया। फोन दे, फोन दे, माथे पे। और फोन दे मेरा। छोड़ो उसे, विराज। हट, फोन दे। विराज, छोड़ो। क्यों आज फोन बननी हो जाएगा? फोन दे मेरा। छोड़ो उसे। बनी। भैया, भैया। विराज, दादू साहब। दे। छोड़ो। युवान। विष्णु, कुछ करना होगा। फोन दे। तू ना। वो सब्जी का ठेला लेके आ, जल्दी। जी जी, ठेला क्यों लेकर? हमें समझाओ। अरे चुप, छोड़ उसे। फोन दे, फोन दे। ना, दे, फोन दे, फोन दे युवान। अरे पागल हो गया क्या? चोरी मार पाड़ी के चोरी सी करारी मर्दी सी गर्म दांगे बचना जरा कभी लागे मिर्ची सी तीखी बड़ी लाल गुलाल और ममता फूली मोंदे इसे अपने साथ ले जा, क्योंकि फोन तो मेरे पास है। देख, देख। बन्नी, क्या हो रहा है ये सब? मुझे छोड़ के मत जाओ बन्नी, ईमान को छोड़ के मत जाओ। मुझे छोड़ के मत जाओ ना बन्नी, युवान को छोड़ के मत जाओ। तो क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा? युवान, युवान बेटा, यू फाइन? क्या हुआ बेटा? वो ढोल शंख नगाड़े वालों की एक झांकी आई थी तो युवान भैया बहुत डर गए। अरे नहीं नहीं, यू नो व्हाट हेमंत, ये सब शोर सुन के ना उसे अपनी मॉम की डेथ की सब याद आ गई होगी। नियति, आंचल। जी भाभी सर। प्लीज इसे अंदर ले जाओ एंड टेक केयर ऑफ हिम। हाँ जाओ जी। हाँ जाओ। युवान, युवान फोन दे,
किसी को समझाना पड़ेगा कि मारे से पंगा ना ले। ब्राउन बेल्ट हूँ, पढ़ती हूँ ना तो लाल कर देती हूँ, समझा? हाथ दूर रख, वरना कर ये उंगली है ना इसे फ्रेंच बीन की तरह तोड़ के रख दूंगी। सबूत चाहिए था ना आप सबको? इस फोन में है सबूत कि बनी निर्दोष है। विराज, बस। कौन से सबूत? अभी आपके बड़े वाले टीवी में दिखाती हूँ आपको तमाशा। विराज, ये जो कुछ भी दिखाने वाली है उसमें तेरा कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है ना? आ देखिए सा, ये इस टिंडे मुंह वाले विराज और उस गुंडे की बातचीत कि बन्नी को ठिकाने लगा दिया है और अब मारा आदमी इन दोनों को रणकपुर छोड़ आएगा। अब ये देखिए सा, ये जब मैं बेहोश हुई थी तब मारी तस्वीर भी ली गई थी। ये सबूत है कि इसने जिस काम के पैसे दिए थे वो काम हो गया। और ये देखिए सा, ये मारी और युवान की तस्वीर है रणकपुर में। तब मारे पास ना पैसे थे ना खून था। युवान को भूख लगी थी और तब एक पाव भाजी वाले काका थे, उन्होंने युवान को खाना खिलाया। तो बस उनका कर्ज चुकाने के लिए मैं और युवान उनकी मदद कर रहे थे। मतलब खिचड़ी भी इसने ही पकाई और जलाई भी इसी ने, और सारा इल्जाम मारे पे डाल दिया कि मैं युवान ने भगा के लेके गई थी। युवान इधर देखो। कन्नी परी तुमसे नहीं लगवाना मुझे, तुम लगाओगी ना तो और गंदा हो जाएगा और दर्द होगा युवान को। नहीं होगा युवान, एक सेकंड। नहीं जाओ यहाँ से। ये सब तुमने किया? हाँ? और तुमने हम सबको इस धोखे में रखा कि बन्नी युवान को भगा कर लेकर गई है। We trusted you blindly, विराज। पहले तो तुम्हारी हरकतों पे गुस्सा आता था, अब शर्म आती है मुझे। ए जड़ बुद्धी, तू अपनी बेवकूफी के चक्कर में ये तक ना सोच पाया जो गुंडों के चक्कर में युवान ने बन्नी ने कुछ हो जाता तब कहीं होता, कितना महंगा पड़ जाता वो। वजह से आज ही जीवन में पहली बार मारे को यह सुनना पड़ गया कि मैं युवान की परवरिश में नाकाम हो गया, फेल हो गया मैं। अरे ध्यान को नहीं रख सकेगा तू युवान का, इसकी नियत में खो तो वो कहीं ध्यान रखेगा। आज तक इंसान को पहचानने में गलती ना करी, ना तुझे गलत पहचाना ना बन्नी ने। मारे को पता था, पूरा विश्वास था कि ऐसी वैसी छोरी ना आए, एक नेक इंसान है,
बोल बोल क्यों रचा तूने ये कांड? क्योंकि इस लड़की ने मार्केट में सबके सामने मुझे थप्पड़ मार के मेरी इंसल्ट की। इतना ही नहीं, रामनवमी के दिन फिर से मेरी इंसल्ट की। मैं इस लड़की को इस घर में नहीं देख सकता। वाह कद्दू बोले है, मैं भले ही टमाटर ने पीसियो पर मन ने का ही पीसियो। भाई को अपनी तकलीफ दिखाई देती है पर युवान के साथ जो जो किया वो याद ना है? युवान के चेहरे पर खीर मलना याद ना आ रहा? उस दिन रामनवमी पर 100 मेहमानों के सामने युवान को लड़की की तरह नचाना याद ना आ रहा? और ये तो वो बातें हैं जो मारे को पता है, जो मैंने देखी है। इसके अलावा जीरा कहाँ कहाँ छंकड़ लगा के आया है कौन जाने। मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं गलत हूं। अगर मैं इस युवान से चिढ़ता हूं तो उसके पीछे भी एक रीजन है, और वो रीजन है आपकी पार्शियलिटी दादा साहब। मैं भी इस घर का बेटा हूं, आपका पोता हूं, लेकिन आपने सब कुछ इस युवान के नाम कर दिया। मेरे नाम कुछ नहीं। क्यों दादू साहब क्यों? अपनी ओछी हरकतों पे एक बार नजर डाल, फिर यही सवाल अपने आप से पूछ तो है इस लायक कि थारे को कुछ दिया जा सके। बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत लगी है इस दौलत को कमाने में। अपना खून पसीना एक कर दिया, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तब जाके यो ये दौलत हाथ लगी है। ये दौलत जो है ना, मैंने खड़ी महंगी महंगी घड़ियों आपकी शराबों और बेकार के विदेश की छुट्टियों पर उड़ाने के लिए ना कमाई। पर हाँ, तेरी जैसी औलादे हो गए हैं जो पीढ़ियों से कमाया हुआ खानदान का नाम दौलत मान यूं महीनों में उड़ाने का दम रखे, हुनर रखे। बात तो तेरे सही है बेटा, बात तो तुमने भी वही चुनी है। जो एक टाइम पे थारे बाप ने पकड़ी थी। बेटा सीखेगा तो बाप से ही ना। ससुर सा गलत नहीं है विराज, अगर वो तुम्हारे नाम ये सब कर देते ना तो सब कुछ तुम धुएं के जैसे उड़ा दोगे, सब कुछ बर्बाद कर दोगे तुम। फाइन, मैं यूजलेस हूं, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। विराज आप सब में से किसी से भी मुझे कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, लेकिन मुझसे भी कोई एक्सपेक्ट ना करे कि मैं सुमान के साथ अच्छे से बिहेव करूं। नेवर। इसमें कहने की क्या बात है, मिर्ची जहां गिरेगी जीभड़े ही जलाएगी। ये अपना स्वभाव कैसे बदलेगा? पर घबराने की कोई जरूरत ना है, जब थारी इन हरकतों की वजह से थारे को इस घर के बाहर निकाला जाएगा ना, तो अपना मुंह उठा के सीधा बन्नी चाव होम डिलीवरी में आ जाना। थारे को एक बढ़िया सी बर्तन चमकाने की नौकरी दूंगी। 4 दिन में 4 पैसे अपनी मेहनत से कमाएगा ना तो अपने आप सुधर जाएगा। हाँ मुझे कुछ बोलना है, कुछ बोलना है युवान को। मैं बोल सकता हूँ? युवान पूछ क्यों रहे हो, बोलो जो बोलना है बोलो, और अगर मन करे ना तो एक आध थप्पड़ भी खींच देना। अगर कोई टैटू करे ना तो थारे को तो पता है बन्नी कद्दूकस करना बहुत बढ़िया जाने। बोलो युवान बोलो।
बोल बोल बेटा। दादू सॉरी विराज, तो दादू सच सच क्या, मैं आपको बताऊं, विराज है ना, विराज उसने मुझे मुझे मारा, बहुत मारा, और मार के बोला कि सबको बोला कि बन्नी ने झूठ बोला, बोला बन्नी झूठी है, बोला सबको बोला कि बन्नी ने तुम्हारी मम्मा की ज्वेलरी चोरी करने बोली थी, पर दादू ऐसा नहीं था, सच में युवान ने मम्मा की ज्वेलरी चोरी की थी। ये लोग गंदी गंदी परी को मम्मा की ज्वेलरी दे रहे थे ना, तो इवान को नहीं चाहिए कि कोई मम्मा की ज्वेलरी पहने, वो गंदी गंदी परी तो नहीं पहने। सलाम, तुम्हें इवान ने मार मार के उससे झूठ बुलवाया जबरदस्ती। तुम एक बात सुन लो कान खोल के सारे, अब बन्नी अठे से कठे भी ना जावेगी, और बन्नी अठे सिर्फ युवान ने खाना खिलाने के लिए ना होगी। और यो बात मैं केवल विराज से ना बल्कि इस परिवार के हर सदस्य से कहना चाहूंगा कि अगर किसी ने मारे युवान को एक भी थप्पड़ मारा, तो मैंने बन्नी को यह हक दिया कि वो पलट के उस सामने वाले का थप्पड़ मार मार के गाल लाल कर सके, और विशेष रूप से तू तो तूने मरे युवान को इतना समय परेशान किया ना, बन्नी तुम्हारी नाक में दम कर देगा। इस घर में सब लोग बन्नी को उसकी जगह दिखाने की कोशिश करते रहते थे, आज दिख गई ना कि इस घर में बन्नी की असली जगह क्या है। ये हमारी मां की तस्वीर, कितनी सुंदर है ना, पूरा गुलाब का बगीचा थी, पर सिर्फ एक फर्क था कि इसके ऊपर ना कोई भी कांटा नहीं था, कोई भी, पर आज थारी वजह से हमारी मां के चरित्र पर उंगलियां उठी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर कोई हमारी मां के बारे में गलत बोले वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। गलती के लिए थारी ये सजा है कि तुम्हारी मां से माफी मांगेगा। विराज, गलती की है तो माफी मांगनी पड़ेगी, युवान से, हम सब से, और खास तौर से बन्नी से, सबके सामने माफी मांगो विराज, माफी मांगो। आई एम सॉरी। ये सड़े अंडे वाली बदबू अकेले सिर्फ विराज ने ना, आपने भी फैलाई है। आपने भी
हमारी माँ के बारे में बोल के हमारी माँ का अपमान किया है तो माफी आप भी मांगेंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।